कानपुर के पास पलटी पूर्वा एक्सप्रेस, राहत और बचाव का काम जारी। कानपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर रूमा के पास पूर्वा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, हावड़ा से नई दिल्ली जा रही ट्रेन के 12 कोच पटरी से उतरे, हादसे में 20 लोगों के घायल होने की खबर, किसी की मौत की खबर नहीं। पीएम मोदी की आज 4 रैलियां, पश्चिम बंगाल बिहार यूपी में जनसभा को करेंगे संबोधित। 9:30 बजे पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर में पीएम की जनसभा, वहीं बिहार के फॉरबिसगंज में सुबह 11:30 बजे रैली। पीएम मोदी के आज यूपी में 2 रैलियां, दोपहर में एटा और शाम को जनसभा करेंगे बरेली। आज कर्नाटक और केरल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कर्नाटक के शिमोगा और केरल के पथनमथिट्टा इलाके में रोड शो। यूपी में राजनाथ सिंह की आज 4 जनसभाएं, झांसी हमीरपुर जालौन और रायबरेली में रैली करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की 2 राज्यों में 3 रैलियां, छत्तीसगढ़ में 2, बिहार के सुपौल में 1 जनसभा। केरल में भी राहुल के लिए वोट मांगेंगी प्रियंका गांधी, आज वायनाड में प्रियंका करेंगी चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की आज वायनाड में रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगी। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां, मुरादाबाद फरुखाबाद और कन्नौज में जनसभा। यूपी में बीएसपी प्रमुख मायावती की आज 2 रैलियां, रामपुर और फिरोजाबाद में जनसभा करेंगी। दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी महासम्मेलन में पीएम ने कहा, मालिक नहीं सेवक हूं, हिसाब देने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा जमाखोरी का खेल कांग्रेस ने खेला और बदनाम कारोबारी हो गए। व्यापारियों के सम्मेलन में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा मौसम वैज्ञानिक की तरह होता है कारोबारी। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, शहीद हेमंत करकरे पर दिए बयान की रिपोर्ट चुनाव आयोग ने मांगी। शहीद हेमंत करकरे पर बयान देकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर घिरी, बीजेपी ने प्रज्ञा के बयान से किनारा किया। शहीद हेमंत करकरे पर दिए बयान को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने वापस लिया, कहा मेरी व्यक्तिगत पीड़ा थी, हर सैनिक का सम्मान करती हूं। साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर महबूबा मुफ्ती का तंज, कहा बीजेपी मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को संसद भेजना चाहती है। साध्वी प्राची का आजम खान पर पलटवार, कहा आजम के खानदान का डीएनए खराब। न्याय योजना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस को नोटिस जारी किया, चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा। धारा 370 पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के बाद खत्म होगा आर्टिकल 370। प्रियंका वाड्रा के रोड शो के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन, डीएम की तस्वीर के साथ अपशब्द लिखे झंडे लहराए गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने नरेंद्र मोदी को दुर्बल पीएम बताया, कहा दुर्बलता लोकतंत्र को दुर्बल बनाएगी। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का विवादित बयान, आजम खान की मां को शैतान की मां कहा। राजस्थान में कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के खिलाफ केस दर्ज हुआ, एक महिला से रेप का आरोप लगा। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे का बैन लगाया, राहुल गांधी को अपशब्द कहे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा, कहा दलित विरोधी मानसिकता से काम कर रहा है चुनाव आयोग। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने युवक को पीटा, सोशल मीडिया पर युवक ने राज ठाकरे की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर, बीजेपी समर्थक शिशुपाल के परिवार से मुलाकात करेंगे। ओडिशा के गंजाम इलाके में बीजेपी उम्मीदवार नीलमणि बिसोई गिरफ्तार, मतदान केंद्र पर ईवीएम तोड़ने का आरोप लगा। संबल में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को गुंडों को पार्टी बताया, कहा समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी में आना चाहते हैं। तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर वोटिंग, 324 कंपनियां तैनात की जाएंगी। अनंतनाग लोकसभा सीट पर मतदान के वक्त में बदलाव किया गया, वोटिंग सुबह 7 से शाम 4 बजे तक। ओडिशा के केंद्र में अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में पत्रकार गिरफ्तार, पुलिस ने पत्रकार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के अमरोहा में फर्जी वोटर के खिलाफ केस दर्ज, हिरासत में लेकर महिला से पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, कांग्रेस नेताओं पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। मतदान कर्मियों की मदद के लिए सेना पहुंची, ईवीएम मशीन ले जाते वक्त गाड़ी पलटी, हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए।
कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, 3 से 4 नकाबपोश लोगों ने मारपीट कर फरार हुए। कश्मीर के सोपोर में एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पूर्व सीएम एनडी तिवारी के बेटे की मौत का खुलासा, रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाने से दम घुटा। एम्स में हो रही चोरियों से डॉक्टर परेशान, अस्पताल प्रशासन को काम बंद करने की चेतावनी। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का दिल्ली सरकार पर आरोप, खाली पद होने के बाद भी उर्दू और पंजाबी टीचरों की कमी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पानी में डूबे 3 आर्मी ऑफिसर, सभी अफसर अभ्यास कर रहे हैं। अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास, आज पीएम मोदी ने फरवरी 2018 में मंदिर की आधारशिला रखी थी। हैम्पशायर से खेलने के लिए बीसीसीआई से अजिंक्य रहाणे ने अनुमति मांगी, वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं होने के बाद फैसला। साउथ अफ्रीका में बारिश की वजह से चर्च की दीवार गिरी, 13 लोगों की मौत, 29 घायल। सूडान के रक्षा मंत्रालय परिसर में लोगों का प्रदर्शन, महंगाई को लेकर नाराज। जापान में बुजुर्ग कार ड्राइवर ने 2 लोगों को कुचला, हादसे में बच्ची और उसकी मां की मौत, 8 घायल।